यहाँ पे मैं काटूंगी अभी मछली। ये शिलगुड़िया मछली है। मछली को पहले हम छील लेंगे, छीलने के बाद कर देंगे पीस। पीस करने के बाद यहाँ पे मैं अच्छी तरह से धुला के रेडी कर लिया है। यहाँ पे अभी मछली के ऊपर डाल देंगे हल्दी नमक। हल्दी नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी मछली को डाल देंगे कढ़ाई के ऊपर। कढ़ाई के ऊपर डालने के बाद एक साइड फ्राई हो चुका है। अभी हम देंगे मछली को पलट लेंगे, यहाँ पे अच्छी तरह से पलटेंगे, नहीं तो मछली टूट जाता है। मेरे हाथों से अच्छी तरह से मछली फ्राई होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे मछली को पलटती हूँ। यहाँ पे मछली फ्राई हो चुका है हमारा। आज मैं सब मछली के साथ सब्जी नहीं बनाऊंगी, आधा को अलग रेसिपी करेंगे, आधा आज हम बनाएंगे मछली। यहाँ पे मैंने काट लिया है आलू बैंगन। अभी हम कर लेंगे आलू फ्राई। आलू फ्राई करने के लिए डाल दिया है कढ़ाई के ऊपर तेल। डाल देंगे अभी आलू। आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आलू को हिला लिया है। हिलाने के बाद आलू फ्राई होते होते यहाँ पे हम कर लेंगे मसाले को रेडी। मसाले पे मैंने लिया है कच्ची मिर्च। डाल देंगे जीरा पाउडर। डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद डाल देंगे प्याज चॉप कर, और डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, और थोड़ा सा डाल देंगे रेड चिली पाउडर कलर के लिए। अभी ग्राइंडर पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी नहीं डालेंगे तो ग्राइंडर पे पीसना नहीं होगा। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंडर पे पीस लेंगे। और आलू के ऊपर डाल दिया है हल्दी नमक। हल्दी नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लेंगे। आलू फ्राई हो चुका है। अभी हम डाल देंगे बैंगन। बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे साथ में टमाटर को भी। डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लेंगे। हिलाने के बाद अभी हम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक ढककर रख देंगे, नहीं तो आलू बैंगन सॉफ्ट नहीं होगा। 10 मिनट हो चुका है, ढक्कन को उतार लेंगे। ढक्कन को उतारने के बाद फिर से थोड़ा सा सब्जी को हिला लेंगे, नहीं तो नीचे से लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे हो चुका है सब्जी हमारा, जो हमने फ्राई किया था सब्जी फ्राई हो चुका है। थाली पर निकाल लिया है। अभी हम डालेंगे तड़का। तड़के पे डालेंगे एक तेज पत्ता। डाल देंगे एक चौथाई साबुत जीरा। साबुत जीरा डालने के बाद आधा चॉप किया हुआ प्याज को डाल देंगे, और आधा तो हमने ग्राइंडर पे डाला था, आपको तो दिखाया ही है। अभी हम कर लेंगे प्याज को अच्छी तरह से फ्राई। फ्राई नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है। अभी हम डाल देंगे जो ग्राइंडर पे जो मसाला पीसे थे उसको। मसाला दिया है दाल तरह के ऊपर। डालने के बाद अच्छी तरह से मसाले को कर लेंगे, हिला लेंगे अच्छी तरह से। जब तक इसका तेल ना छूट जाए तब तक हम मसाले को करते रहेंगे फ्राई। अभी हम डाल देंगे हल्दी स्वादानुसार और नमक भी साथ में। नमक हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लेंगे, नहीं तो नमक हल्दी का जो सेंट होता है वो हल्दी का जो सेंट होता है वो बहुत ही गंदा सेंट होता है, इसलिए अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। मसाला फ्राई हो चुका है, ये देखिए निकल रहा है तेल। अभी हम जो डाले सब्जी जो फ्राई किए थे उसे डाल देंगे मसाले के ऊपर। मसाले के ऊपर डालने के बाद अच्छी तरह से मसाले को सब्जी के ऊपर एब्जॉर्ब होने के लिए फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाना हो चुका है। डाल देंगे गर्म पानी। मैं हमेशा सब्जी के ऊपर चाहती हूँ हमेशा कि गर्म पानी ही डालो, कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी समय नहीं होता है गर्म पानी के लिए, इसलिए डाल नहीं सकती। यहाँ पे मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ गर्म पानी डालने के। डाल दिया है गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद अच्छी तरह से सब्जी को हिला लिया है। हिलाने के बाद अभी हम सब्जी को उबाल आने के लिए ढककर रख देंगे, और आलू भी थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा उसके लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पर ढकना हो चुका है, 10 मिनट तक ढके रखे थे, उसके बाद ढक्कन को उतार लिया है। अभी हम डाल देंगे मछली। मैं 5 पीस ही दी हूँ मछली, और बाकी सबको रख दिए अलग दिन अलग रेसिपी करने के लिए। हम लोग तो 2 ही लोग हैं, इसलिए हम ज़्यादा मछली नहीं खा सकते, इसलिए हम 5 ही पीस दिए हैं। एक एक करके खा लेंगे, नहीं तो 2-2 करके खा लेंगे। यहाँ पे मछली को डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लिया है, नहीं तो मछली सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए पानी के अंदर डुबो डुबो के डाल दिए। ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी तरह से उबल चुका है। अभी हम डाल देंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल गया है, और यहाँ पे सब्जी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सभी को।